हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में भैया अपन कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। बिग डेटा एप्लीकेशन बड़ा इंटरेस्टिंग मुद्दा है और एक ऐसा सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो उसका जो उत्तर होगा वो कुछ इस तरीके से आप दोगे जो कि मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने वाला हूं। एज यूजुअल आपका कम से कम समय लूंगा, अपनी तरफ से ज्यादा कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश मेरी इस वीडियो में बनी रहने वाली। तो चलो भैया शुरू करते हैं अपना सबसे पहला एप्लीकेशन कॉल सेंटर्स। इसके बारे में तो भैया अपन सब जानते होंगे क्योंकि अपने को तुरंत कॉल आता होगा अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग। ओके, तो भैया देखो अपन जो फोन यूज करते हैं उसमें दो स्लॉट्स होते हैं सिम के, बराबर है, दो स्लॉट्स होते हैं। आजकल के सभी फोन में नॉर्मली दो स्लॉट देखने को मिल जाएंगे, तो उन दो स्लॉट्स को भरने के लिए अपन दो सिम लेते हैं, है ना। तो आजकल बड़ा कॉमन है कि एक पर्सन के पास मिनिमम दो नंबर तो होने ही चाहिए। हाँ, तो आप देखो इस पृथ्वी तल पे कितने सारे ह्यूमंस हैं, अगर देखा जाए तो कितने सारे नंबर्स निकलेंगे, उन नंबर्स से रिलेटेड कितना सारा डेटा होगा, उस पर्सन से रिलेटेड कितना सारा डेटा होगा, बराबर है। तो वो कितना बड़ा डेटा आपके सामने आ जाता है। अब होता क्या है कि भैया यहाँ पे वो जो डेटा है उसे एनालाइज किया जा सकता है, उस डेटा को एनालाइज किया जा सकता है। और मान लीजिए यहाँ पे तीन रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट वन, रिक्वायरमेंट टू और रिक्वायरमेंट थ्री, अलग अलग रिक्वायरमेंट होते हैं जिसके लिए कॉल सेंटर्स आपको कॉन्टैक्ट करते हैं कि क्या आपको ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट, इस हिसाब से हम आपको सहायता करते हैं। तो ये तीन रिक्वायरमेंट आपके सामने है और ये जो इतना सारा डेटा है आपके पास, इतने सारे लोगों का नंबर है, उनका जो डेटा है उनको सॉर्ट अगर किया जाए तो अपन बोल सकते हैं कि हाँ ये अमाउंट ऑफ जो इंडिविजुअल्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट R1 हो सकती है, मोस्ट पॉसिबल इनकी R2 हो सकती है, इनकी R3 हो सकती है। फिर उस हिसाब से कॉल लगाए जाते हैं आपके नंबर्स पे, आपका नाम लिया जाता है कि मैं इन्हीं से बात कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और उसके बाद फिर R1, R2, R3 जो है वो रिक्वायरमेंट्स उनके सामने पेश किया जाता है। और देर इज़ अ हाई पॉसिबिलिटी कि इस एनालिसिस के बाद ये जो रिक्वायरमेंट सॉर्टिंग किया गया है ये मोस्ट एक्यूरेट होगा। तो दिस इज व्हाट इज एक्चुअली डन इन द कॉल सेंटर। और कई बार आपने ये भी सुना होगा कि जब आप कॉल लगाते हो या आता है तो वहां पे होता है कि भैया ये कॉल जो है ये रिकॉर्ड किया जा रहा है फॉर क्वालिटी इवैल्यूएशन, बराबर है। तो भैया किस तरीके से क्लाइंट से बात की जा रही है, उस इम्प्लॉय, वो जो इम्प्लॉय उस कंपनी का, वो किस तरीके से क्लाइंट से बात कर रहा है, उस के रिस्पेक्टिव बिहेवियर को एनालाइज करने के लिए उस ऑडियो को भी इवैल्यूएट किया जाना चाहिए कि उसके परफॉर्मेंस में कुछ भैया और अपने को बदलाव करने हैं, इंप्रूवमेंट्स लाने हैं, या फिर ये काम नहीं कर रहा तो इसको निकालना है, या फिर ये बढ़िया कर रहा है तो इसको प्रमोट करना है। ये सारी चीज़ें भैया यहाँ पे एनालाइज की जाती है। उसके बाद आते हैं सोशल मीडिया। सबके पास, आपके पास, मेरे पास, बच्चे से लेकर बुढ़ऊ तक सबके पास सोशल मीडिया है, जो कि कहीं ना कहीं अपना एक ओपिनियन रखते हैं। एक लाइक मारना भी अपने आप में एक ओपिनियन होता है कि एक्चुअल में मार्केट में चल क्या रहा है, एक्चुअल में इस दुनिया में चल क्या रहा है, ट्रेंड में क्या चल रहा है, ये सारी चीज़ें आपके एक लाइक से भी डिसाइड होती है। और उसके बेसिस पे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना डिसीजन लेते हैं, उनको पता होना चाहिए कि भैया ट्रेंड में क्या है, उसके हिसाब से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज से रिलेटेड जो भी प्रमोशनल कैंपेन्स रहते हैं वो डिसाइड करते हैं, उनमें बदलाव करते हैं, कुछ चेंजेस करते हैं ताकि वो इस एग्जिस्टिंग ट्रेंड के साथ मैच कर सके और उनकी सेल बढ़ सके और प्रॉफिट बढ़ सके। जैसे अगर देखोगे आप पिछले बहुत सारे पिछले सालों में, मतलब जहां पे अमिताभ बच्चन जी भैया स्क्रीन पे आते थे, बड़े स्क्रीन पे आते थे और वो बेल बॉटम वाली पैंट पहन के आते थे, तब वो बहुत ही बड़ा ट्रेंड था जब सब बेल बॉटम वाली पैंट पहनना चाहते थे। बट अब वो बदल चुका है, अब ट्रेंड डिफरेंट है, अब फटी हुई जीन्स चाहिए सबको। अब क्या चाहिए भैया, फटी हुई जीन्स चाहिए, वो उसमें नहीं लगा होता, वो पता नहीं क्या बोले इसको, मतलब वैसा वाला ट्रेंड अभी चल रहा है और उसको फैशन माना जाता है। ओके, अब वो जो है ट्रेंड चल रहा है, वो जो है डिमांड है, लोगों के बीच में चर्चा चल रही है, चलो इसका सप्लाई बढ़ाते हैं ताकि कंजम्पशन हो और अपना प्रॉफिट बढ़े। इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो एनालाइज की जाती हैं सोशल मीडिया डेटा से। उसके बाद आते हैं शॉपिंग के ऊपर। ऑब्वियसली बात है, शॉपिंग में भी वही फंडा है, अपन इतने सारे यूजर्स हैं इस दुनिया में जो कि ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ओके, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट तो बस एक ऐसे दो नाम है जो कि बहुत ही प्रचलित है, ऐसे तो बहुत सारे शॉपिंग ऐप्स हैं जो कि आपको प्ले स्टोर में या एप्पल स्टोर में अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। और उस पे से भैया दिन भर में कितनी सारी शॉपिंग अपन लोग करते होंगे। एक यूजर ने अगर कुछ भी क्वेरी डाला सर्च में ना, तो उससे रिलेटेड जितने भी आइटम्स होंगे, जितनी भी उसकी वैरायटी ऑफ आइटम्स होंगी, वो आपको अगली बार रिकमेंडेशन में देखने को मिल जाएगा उस ऐप में, ताकि आपकी पॉसिबिलिटी ऑफ बाइंग दैट पर्टिकुलर आइटम बढ़े और उनका प्रॉफिट भी बढ़े। तो ये इस तरीके से पूरा यूजर का डेटा एनालाइज जो है यहाँ पे किया जाता है, उस हिसाब से आपके सामने थाली में चीज़ें परोसी जाती हैं। जो आपको पसंद है वही, जो आपको पसंद नहीं वो अगर परोसोगे तो वो खाएगा ही नहीं, बराबर है। उसके बाद आता है IoT, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग, बहुत बड़ी चीज़ है भैया, बहुत बड़ा बवाल, एक बूम है।
हर जगह पे भैया जो भी थिंग्स दिख रही है उनको स्मार्ट थिंग्स, स्मार्ट डिवाइसेस बना दो, इंटरनेट कनेक्टिविटी दे दो, वो एक साथ कनेक्ट हो जाए और फंक्शनल हो और एक बड़े एम को अचीव कर सके, बराबर एक बड़े मोटिव को, फंक्शनलिटी को परफॉर्म कर सके। यही चीज़ आईओटी में भी अपन करते हैं। अब सोचो इतने सारे सेंसर्स अपन लगा देंगे, वो डेटा जो है एक तरीके से सेंस्ड डेटा जो है वो भेजेंगे ऊपर क्लाउड में, अपने को वो एनालाइज करना होगा जिस बेसिस पे अपन क्रूशियल डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे कि सबसे बड़ा क्रूशियल डिसीजन अपन लेते हैं हेल्थ केयर फील्ड में। हेल्थ केयर फील्ड में अगर आप देखोगे मेडिकल फील्ड में, मान लीजिए यार यहाँ पे कोई तो एक रिस्पेक्टिव डिजीज है D1, बराबर है। अब अपने को जो है बहुत सारे पेशेंट्स जिनको ये डिजीज D1 से वो अफेक्ट हुए हैं उनके लिए मान लो यार कोई एक मेडिकल फील्ड में एक वैक्सीन तैयार हुई या एक मेडिकेशन तैयार हुआ, ठीक है। अब हुआ क्या, वो मेडिकेशन जो है वो जो वैक्सीन है रिस्पेक्टिवली दिया गया उन सभी रिस्पेक्टिव पेशेंट्स को, और उनमें वो सेंसर भी है उनके पास में जो कि उनके हेल्थ पैरामीटर्स को डिटेक्ट कर रहा है, और वो डेटा भैया क्लाउड पे भेज रहा है और उस डेटा को आप एनालाइज कर रहे हो और उसके बेसिस पे आप ये डिसीजन लोगे कि क्या ये वैक्सीन कुछ फायदेमंद साबित हो भी रहा है, क्या इन सब की हेल्थ इंप्रूव हो भी रही है या नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें आपको वहाँ आंकड़े सहित देखने को मिल जाएगा उस एनालिसिस में, एंड देन यू कैन टेक अ डिसीजन वेदर टू कंटिन्यू दिस वैक्सीन और रोक दो, या फिर इसको रोक दो वैक्सीन को, इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वैसा का वैसी हालात है या वर्स हो रही है, आपको अल्टरनेटिव वैक्सीन या फिर मेडिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से भैया आईओटी का यूज जो है वो भरपूर मात्रा में यहाँ पे हो सकता है। उसके बाद भैया आते हैं एजुकेशन फील्ड। अपन जो एग्जाम्स देते हैं ऑनलाइन एग्जाम देते हैं, कहीं सेंटर पे जाके एग्जाम देते हैं, बराबर है। जैसे मैंने गेट एग्जाम दी थी तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे भी पता है कि एक बहुत सारे सेंटर्स सिटीज में, राज्यों में, अलग अलग राज्यों में नेशनल लेवल पे एग्जाम कंडक्ट की जाती है। आप वहां जाते हो उस रिस्पेक्ट टाइम पे, गिवन टाइम पे एग्जाम शुरू करते हो और उसमें आपके उस बिहेवियर को ना एक तरीके से ग्रैब किया जाता है, ओके समझा जाता है आपके उस रिस्पेक्टिव बिहेवियर को कि आप जो है कितने टाइम में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, कितने क्वेश्चंस को अनअटेम्प्टेड ही छोड़ रहे हो, कितने क्वेश्चंस को राइटली कर रहे हो, कितने क्वेश्चंस को रॉन्गली कर रहे हो, कितने क्वेश्चन को आप बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हो, कितने क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में आप कंडक्ट कर रहे हो, बराबर है। इससे क्या होता है, एग्जाम को समझा जाता है। आप समझ रहे हो, मतलब अगर यहाँ कुछ ऐसे मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं जो कि सबने, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने जो है वो अनअटेम्प्टेड छोड़ दिए, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि यार एक तो ये क्वेश्चन भैया कुछ अतरंगी था जो समझ में ही नहीं आया, या फिर आउट ऑफ द सिलेबस था या क्या था पता नहीं, या फिर वो बहुत डिफिकल्ट था जिसकी वजह से किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि भैया नेगेटिव मार्किंग जाएगी। समझ रहे हैं आपका बात, तो ये बड़ा सिंपल सा मुद्दा है। और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लिए भैया बहुत ही कम टाइम लगा सभी को, मोस्ट ऑफ द जो डेटा जनरेट हुआ है ना आपके बिहेवियर से उससे समझ में आया कि क्वेश्चन नंबर 2 तो भैया ऐसा था कि देखते सबने बी ऑप्शन जो कि करेक्ट ऑप्शन होगा उस पर क्लिक किया, मतलब यहाँ कम टाइम लगा, मतलब क्या कि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होगा। एंड ओवरऑल इसी तरीके से पेपर को एनालाइज किया जाता है कि भैया ये टफ क्वेश्चन था या आपका बड़ा ही इजी क्वेश्चन पेपर था जो आपको ऑनलाइन आया था। साथ ही साथ एजुकेशन में आप देखोगे अटेंशन स्पैन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भैया एक घंटे का पूरा लेक्चर है क्लास में, आप कितना अटेंशन रहेगा बच्चों का, है ना, कोई सो जाएगा, कोई नैप ले लेगा, पता नहीं क्या क्या बहुत सारी चीज़ें करेगा, अलग मटर गस्तियाँ करेगा, है ना, लेकिन ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसका ध्यान को एनालाइज करना, स्टूडेंट के पूरे बिहेवियर को क्लास में एक घंटा एनालाइज करने के लिए आप बहुत सारे डिवाइसेस का यूज़ कर सकते हो जो कि उनके हार्ट रेट या फिर उनका फेशियल बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करेगा कहीं ना कहीं, और उस डेटा को आप एनालाइज कर सकते हो और फिर देख सकते हो, समझ सकते हो कि अच्छा आपके उस क्लास में, उस एक घंटे के लेक्चर में कितना प्रतिशत अटेंशन बना रहा बच्चों का, और अगर वो कम है तो उसे बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, वो भी एज अ फीडबैक आप इस एजुकेशन में बिग डेटा का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आते हैं एंटरटेनमेंट फील्ड। भैया सबको चाहिए एंटरटेनमेंट, मजा सबको जीवन में चाहिए, और कैसे मिलता है एंटरटेनमेंट, चलो भैया नेटफ्लिक्स खोल लो। लेकिन पहले ये नेटफ्लिक्स पे मजा नहीं मिल रहा था, पता है क्यों? बिकॉज पहले अगर आप देखोगे, बहुत पहले की मैं जब बात कर रहा हूँ, मतलब तकरीबन 9-10 साल पहले की अगर बात करें अपन, तो नेटफ्लिक्स पे इंडियन कंटेंट नहीं था, ऑलमोस्ट नहीं था, मतलब हिंदी में ज़्यादातर वेब सीरीज़ या मूवीज़ थी ही नहीं वहाँ पे, बराबर है। जो बन रही है अभी, जिस रेट में अब बन रही है ना, तब तो उतना था भी नहीं कुछ, तो फिर वो जो यूज़र्स थे जो पैसा दे रहे थे, ठीक है फिरंगीपना कुछ देर तक देखेंगे, लेकिन भाई है ना, अपने को भी देसी देखना है, अपने को भी कुछ देसी वेब सीरीज या मूवीज़ देखनी है, तो वो आ ही नहीं रही थी, तो उन्होंने तो पैसा दे के रखा है, तो फिर वो क्या करते थे, छोड़ देते थे, बराबर है, नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से जा रहे थे वो दूर, और दूर जाते वक्त एक रीज़न पूछता है नेटफ्लिक्स कि भैया काहे जा रहे हो दूर, क्या कुछ गलती हो गई हमसे, तो वहाँ पे अपन रीज़न लिखते थे कि भैया हमारा हिंदी कंटेंट तो है ही नहीं यहाँ पे, तो हम क्यों रुके,
तो ये पूरे डेटा को एनालाइज किया जाता है एक तरीके से कि अच्छा भैया डिमांड इस चीज की है, नेटफ्लिक्स को समझ में आया और उसने भैया लगा दी कतार हिंदी मूवीज और वेब सीरीज की। यही नहीं भैया, फॉरेन शोज को भी हिंदी में डब किया गया। तो सोचिए इस तरीके से जो डिमांड है उसको समझा जाता है और सप्लाई जो है उसको बढ़ाया जाता है ताकि प्रॉफिट भी आपका एक तरीके से बढ़े। तो ये केस स्टडी रिलेटेड टू एंटरटेनमेंट आपको देखने को मिल जाएगा और यही कुछ आपके एप्लीकेशंस थे ऑफ द बिग डेटा जो कि मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया। अगर आपको ये समझ में आ गया और अच्छा लगा होगा वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिए, उससे भी ज़्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।